तो हॉस्टल लाइफ मैगी के बिना अधूरा है, कौन कौन मेरे बात से एग्री है? अगर एग्री है तो प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और लाइक भी कर देना। हॉस्टल लाइफ मेरा ख्याल से हॉस्टल लाइफ मैगी के बिना तो पूरा अधूरा है भाई। Hey everyone, good morning, Radhe Radhe and welcome back to my YouTube channel. कैसे हो guys आप सब? I hope you all are doing well and मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो guys अभी 9 बज गया है and breakfast के लिए भी बहुत लेट हो रही हूँ। आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए आज लेट करके उठी। ऐसे तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं गए थे, इतना ज़्यादा मतलब जुकाम लग गया, गले पे पेन है बहुत। तो मेडिसिन लेने जाऊँगी बाद में, पहले तो मैं फ्रेश होके कैंटीन से खाना खा के आती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा तो ब्रेकफास्ट भी मुझे नहीं मिलेगा। तो गाइस फ्रेश हो गया हूँ मैं, अभी थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो गाइस 9:30 बजने में बस अब 5 मिनट बाकी है, जल्दी से जाती हूँ नहीं तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। आ रही हो जाऊँ भाई। गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, आज तो प्लेन पराठा और आलू की सब्जी था, अच्छा ही था, लेकिन मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज तो धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, वेदर भी अच्छा है, तो सोचा कुछ टाइम बाहर बैठ जाती हूँ अंदर रूम पे चला जाऊँगी। दिन रात तो रूम पे ही बैठी रहती हूँ तो इसलिए सोचा कि आज धूप नहीं है तो थोड़ा सा बाहर ही बैठ जाती हूँ। तो गाइस मैं अभी तक रूम पे नहीं गई, आज का वेदर बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए थोड़ा सा बाहर ही बैठे थे हम लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ अभी फ्लावर तोड़ने के लिए, देखती हूँ कि आज कौन सा फ्लावर रूम पे रखूँगी। तो मैंने लिया आज 2 रेड रोज़ जो कि मैं रूम पे जाके रखूँगी, अभी तो थोड़ा सा बाहर ही बैठूँगी। तो ये मैंने तोड़ के रख लिया अपने पास, जाके रूम पे रखूँगी। अभी टाइम हो रहा 1:22 एंड अभी हम लोग आए जस्ट लंच करके। आज तो लंच के टाइम पे वीडियो नहीं बनाए, आज तो था चावल कड़ी और आलू की सब्जी। तो आज मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज इतना धूप था ना बाहर, जल्दी से खाई एंड वापस आ गई जल्दी से रूम पे, तो इसलिए आज मैं वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे। एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 एंड गाइज मेरा तबीयत अभी सही नहीं है, मतलब मैं सो रही थी उस टाइम पहले उठे एंड सो के उठने के बाद तो मेरा बहुत खांसी हो रहा है। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए कुछ मतलब 6 बजे जाऊंगी शायद बाहर और मेडिसिन लेके आऊंगी। सो के जब उठी ना मुझे बहुत भूख लग गया था, तो आज स्नैक्स में भी रहता है ब्रेड पकौड़ा खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अभी बिस्किट खाए। तो 6 बजे के अंदर जाऊंगी, मेडिसिन वगैरह लेके आना है। तबीयत सही नहीं लग रहा है, खांसी हो रहा है बहुत और गला में बहुत अजीब सा पेन भी है, तो दवाई भी लेके आना होगा। मैम आउटिंग के लिए पास चाहिए। दस वाला दूध है क्या? अमूल वाला? तो गाइस मैं मेडिसिन लेके आ गई, अभी मेडिसिन भी दिया और गले में खिचकिच हो रहा तो ये भी दिया है। तो ये तो मैंने अभी एक खा लिया, बोला कि रिलीफ मिलेगा तो अभी तो ठीक है, नहीं तो इतना खांसी हो रहा था ना रास्ते में जा रहे थे, बहुत खांसी हो रहा था। तो मेडिसिन भी दिया गले का दर्द का और अंदर बुखार भी फील हो रहा था, तो मेडिसिन लेके आए। अभी टाइम भी हो गया 7:15 एंड और 15 मिनट बाद जाऊंगी डिनर करने के लिए। तो गाइस टाइम हो रहा 7:45 एंड हम लोग आ गए अभी डिनर करने के लिए। इधर खुलेगा भाई, तो चलो डिनर कर लेते हैं। ये है कैमरामैन के लिए जो मेरा अभी कैमरा पकड़ के है, तो दो के लिए मैंने तो गाइज आज है चावल, चावल और रोटी तो रोज रहता है, ये है दाल और है लौकी। चावल दे दो थोड़ा सा, चम्मच खिला दीजिए ना। सुचंदा खाना का रिएक्शन दिखा दो, कैसे बनाई थे अभी शक्ल। तो गाइज आज खाना अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसे खाएंगे आज तो। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से लौकी खाना पड़ेगा। मतलब खाना तो ठीक है, लौकी तो खाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं खाते, लेकिन एक होता है ना कि टेस्टी का भी बात आता है, पता नहीं कैसे टेस्ट है। तो
जितने बार खाए उतना तो उतना हमारे को अच्छा नहीं लगता है, तो आज देखते हैं कैसे बना रहे हैं। कुछ अंदर खीरा ले लो, खीरा के भरोसे में खाना पड़ेगा। एक से नहीं चलेगा, और भी ले लो, भर भर के खीरा ले लो, तबीयत भी खराब है। खीरा ज़्यादा खाएगा तो फिर और ज़्यादा भूख लग जाएगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:50 एंड हम लोग का डिनर हो गया, मतलब डिनर पहले ही हो गया था। हम लोग बाहर थोड़ा सा वॉक कर रही थी एंड अभी जाऊँगी बॉटल में पानी भरने के लिए। आओ, कहाँ चला गया मेरा बॉटल, ये रहा, इसमें अभी जाएंगे पानी भरने के लिए। चलो सुबह तो चलते हैं पानी भर के लाते हैं। तो पानी नहीं भर के रखेंगे तो फिर मुझे क्या हुआ, कब सी रहा, फेंक दो, बहुत दिनों से ऐसे ही रख रहा है। तो गाइस पानी भर के तो लाए, बट मेन बात यह है कि हम लोग कभी बहुत तेज भूख लगे तो हॉस्टल लाइफ, यू नो हॉस्टल लाइफ तो मैगी के बिना अधूरा है। तो अभी हम लोग खाएंगे मैगी। मैगी कैसे बनाते हैं हॉस्टल लाइफ में, तो हम लोग के हॉस्टल में तो मतलब लगभग रोज चेकिंग वगैरह होता है, तो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह अलाउ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गीजर लगा हुआ है, फर्स्ट ईयर से ऐसे ही करती हूँ। सुचंद प्लीज मत हंसा मुझे। तो क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर से, तो हम लोग के यहाँ पर गीजर लग पानी लाते हैं, फिर उसको मैगी में डालते। यस, पूरा मैगी कैसे ही पैकेट के अंदर ही उसको पूरा तोड़ फोड़ के एकदम पूरा छोटा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद छोटा वाला जो टिफिन होता है ना उसमें मैगी डाल देते हैं, मसाला भी डाल देते हैं। उसके बाद गर्म पानी डाल के 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रखते हैं, हो गया 2 मिनट का मैगी। मतलब यहाँ पर जो लिखा रहता है ना 2 मिनट का मैगी, हम लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं, एकदम 2 मिनट में ही मैगी हो जाता है हम लोग का। हाँ तो चलो मैगी बनाएंगे अब इसको पूरा अच्छा से अभी। हो गया, चंदा टिफिन लाओ, मैगी को छोटा 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 कर दिया। मैगी तो लिटरली हॉस्टल लाइफ में, अब सुचंदा को देखिए भूख लग गया तो क्या कर रहे हैं। सुचंदा दिखा तो थोड़ा सा क्या खा रहे तू, अमूल का पैकेट होता है ना, दूध पीता है या। तो हॉस्टल लाइफ मैगी के बिना अधूरा है। कौन कौन मेरे बात से एग्री है, अगर एग्री है तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और लाइक भी कर देना। हॉस्टल लाइफ मेरा ख्याल से हॉस्टल लाइफ मैगी के बिना तो पूरा अधूरा है भाई। सुचंदा तुम्हारे ये हंसते रहते भाई साहब दिन रात, अगर कैमरा थोड़ा सा मुँह पे, मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है कुछ नहीं बोलना। तो गाइस हम लोग के बन गया है 2 मिनट के मैगी, अभी मैगी को ढक के रखे, इसको खोलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बना है मेरा 2 मिनट की मैगी। ओ वाओ, ज्यादा आज पानी दे दिया मैंने गाइस। तो गाइस ये मेरा है 2 मिनट की मैगी, अब खा के टेस्ट करके बताती हूँ कैसे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट ईयर से मैं यही मैगी खाती हूँ हॉस्टल में जब रहती हूँ, और टेस्टी भी लगता है खा के, क्यों ना आदत सी बन जाता है ना। मतलब मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाजवाब टेस्ट। तो गाइस अभी मैगी खा रही थी और मैगी खाते खाते मेरा दोस्त आ गया एक भुट्टा देने के लिए, तो मैगी विद भुट्टा, वाह कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:58 एंड मैं अभी मेडिसिन लेके सो जाऊंगी, मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब मैं मैगी के लिए गर्म पानी लेने गई थी तब मैं अपने पीने के लिए भी गर्म पानी लेके आई थी, ये रहा मेरा गर्म पानी। अभी थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, मेडिसिन लेके ब्रश वगैरह करके सो जाऊंगी, तबीयत मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इतना गला में खिचखिच हो रहा है, गला दर्द हो रहा है, अंदर बुखार फील हो रहा है। इतना दिन से सुचंदा का तबीयत खराब थी, अब मेरा स्टार्ट हो गया है। इतना सारा मेडिसिन दिया है, बस एक दिन का दिया है, बोला था डिनर करने के बाद, मतलब आज रात को खाने के लिए और कल मॉर्निंग में खाने के लिए, तो ये 4 मेडिसिन से बोला एक एक खाने के लिए, तो मैं अभी मेडिसिन खाती हूँ। तो गाइस आज मैं ये ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूं, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।